जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों, आज शनिवार का दिन है और अभी रात के 10:48 हो चुके हैं। 22 दिसंबर शनिवार और रात के 10:48। तो आज मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि वैसे तो मैं कल पूरा व्यू दे चुका आपको निफ्टी का कि मंडे को क्या हो सकता है मेरे हिसाब से, लेकिन वो मेरे हिसाब से व्यू है। मैं कोई भगवान नहीं हूँ निफ्टी का, या मैं कुछ बोल दिया तो होना है। अगर आप लोग इस गलत फहमी में रहते हो तो ये समझ लेना कि ऐसे भी दिन आएंगे कि मैं कंटिन्यूस 1 महीना तक कंटिन्यूस रॉन्ग होऊंगा। तो ये मैं एडवांस में इसलिए बोलता हूँ कि अपने आप को कभी खुदा मत मान लेना इस मार्केट में, या प्रमोद जैन पे इतना डिपेंडेंट मत हो जाना कि वो जो बोल दिया बस आँख बंद करके पोजिशन ले लेना। ऐसा नहीं, मेहनत बहुत करता हूँ, कोशिश करता हूँ, अपनी रीज़न देता हूँ, लॉजिक देता हूँ, बट ये मार्केट हमेशा सुप्रीम है। ये अपनी चाल चलता है और आपको कभी ना कभी रॉन्ग साबित करता ही है। तो ये मार्केट का एक पार्ट एंड पार्शल है, आप रॉन्ग होंगे राइट हो, लेकिन अगर आप लॉजिक दे के रॉन्ग हो रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप खाली तुक्का मार रहे हो, और अगर आप रोज़ रोज़ बोलोगे कि सेल करो सेल करो सेल करो, तो एक दिन मार्केट गिरेगा तो उस दिन आपका सेल राइट हो जाएगा। तो इस तरह के लोगों से बचो जो आपको रोज़ एक ही व्यू देता है कि बस चाहे बढ़े चाहे घटे बोलता सेल करो, तो क्योंकि उनको कुछ आता ही नहीं है। तो इस तरह से बचो जो प्रमोद जैन की तरह आपको 10-350 पे बोलता है बाई करो, और 10-980 के आसपास जहाँ टॉप बना 85 का वहाँ बोलता है सेल करो, और आपका टारगेट 10-800 से नीचे का है और वो आता भी है। और थर्सडे को ये बोलना कि कल 200 पॉइंट गिर सकता है, 150 से 200 पॉइंट, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी स्टडी थी मेरी जो कामयाब हुई। बस ऐसा नहीं कि मैं हमेशा राइट हूँगा, लेकिन इस तरह की मैं मेहनत करता हूँ और आप लोग के सामने खुलेआम अपनी बात रखता हूँ। ऐसा है कि नहीं, आपको इधर उधर की बातें नहीं करता। तो ये मैं बोलना चाहता हूँ कि आपको ये करना है। दूसरी बात, जैसे आज स्टॉक मार्केट में क्या होता है, अब जैसा कि आप लोग देख रहे हो, जो जो मुझे 15 दिन या 1 महीने से देख रहे हैं वो देख रहे हैं, ये तो प्रमोद जैन जैसा बोलता वैसा होता मार्केट। कुछ लोग तो मुझे बोल रहे सर आप निफ्टी को चला रहे हैं या निफ्टी चला रही है मार्केट को। तो मैं बोलता हूँ इस तरह के कमेंट पहले तो आप करो मत। प्रमोद जैन जैसे हजारों भी आ जाए तो वो निफ्टी को नहीं चला सकते, ठीक है। तो और एक चीज़ आज मैं आप लोग को बहुत खुलेआम वार्निंग देना चाहता हूँ, जैसे मैं हर बार राइट हो जा रहा हूँ अभी भगवान की कृपा से, हो सकता है मंडे को भी हो जाऊँ। जो मैंने बोला कि 700 को टेस्ट करके 680 से लेकर 705 का लो बनेगा, 685 से लेकर 705 के बीच में, और वहाँ से 985 जो हाई बना था अभी वो वापस टूटेगा 3 या 4 ट्रेडिंग डेज में। वो यही बोला था मैंने कल के वीडियो में, आप लोग देख लो। तो वो होगा, हो सकता है टूटेगा भी, लेकिन आपको मैं एक सिस्टम समझा देता हूँ। आज हम लोग जो मार्केट में लंबा हारते हैं, या जो भी आप लोग मेरे पास जो भी फ़ोन आते हैं आप लोगों के, सर मैं 15 लाख हार चुका हूँ, मैं 20 लाख हार चुका हूँ, मैं 5 लाख हार चुका हूँ, पूरा बर्बाद हो चुका हूँ, अब कुछ पैसा आपको देखने के बाद कमाया, ऐसे कमेंट मुझे हज़ारों आए। मतलब जो इन्होंने लिखा है कि सर आपको जब से देखा तब से कुछ पैसा आने लगा, इसका मतलब ये नहीं कि आपको बहुत पूरा एक ही दाव खेल देना है। अब क्या होगा, 3 बार आप राइट होने के बाद एक एक लॉट में आप सपोज काम कर रहे हो, आप फ्यूचर्स के ऑप्शन से, मैं भी बोलता हूँ 1 या 2 लॉट ही लिया करो, कभी भी ज़्यादा नहीं, अपनी औकात के बाहर कभी काम नहीं करना। क्योंकि क्या होता है, ये शनिदेव का जो जाल होता है ना, अब एक एक लॉट कर रहे हो आपको प्रॉफिट देता है, जैसे आप जिस दिन आपको लालच आता है आप 10 लॉट कर देते हो सीधा, उस दिन शनिदेव बोलता है अब ये जाल में फंस गया, अब ये इसको रिकवर करने करने के चक्कर में पूरा बर्बाद हो जाएगा। तो इस तरह से आप कभी मत करो। आप हर गेम जो खेलते हो एक लिमिट बांध लो। सपोज आपने 2 लाख रुपए लेकर एंटर किया स्टॉक मार्केट में, तो कोई भी सौदा आपका 20,000 से ज़्यादा का लॉस का होना नहीं चाहिए, यानी उसमें लॉस ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 लग सके उस हिसाब से आपको सौदा लेना है। अगर 20,000 का लॉस हो रहा आप निकल जाओ, और फिर उस स्ट्रिप को 2-3 दिन देखो ही मत, ऐसा अगर आप कर सकते हो। और एक सौदे में प्रॉफिट भी उतना ही लेने का सोचो। आप सोचो कि आप यार राइट तो हो ही रहे हैं, चलो इस बार 10 लॉट ले लेते हैं, वहाँ मार खाते। तो ये डिसिप्लिन हमेशा मेंटेन करना अगर मेरे साथ रहना, क्योंकि हम लोग को क्या होता है, 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार अगर 5-5 हज़ार रुपये रोज़ आ रहा है तब खुशी नहीं होती, तब लगता है एक ही बार में बड़ा दाव खेल लो साला, 5 हज़ार 50 हज़ार आ जाए या 1 लाख आ जाए, उसी दिन से हमारा पतन चालू होता है। तो ये मैं सिर्फ आप लोगों को ज्ञान देने के लिए बोला। सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि कल का जो वीडियो मैंने रात को डाला था, शुक्रवार की रात को 8:50 पर डाला था मुझे याद है,
और मैंने मंडे का व्यू दिया था, उसको ऑलरेडी आप लोगों ने 4,300 बार व्यू कर लिया है। और जब से मैं 12 अक्टूबर से यूट्यूब में वीडियो बना रहा हूँ, 12 अक्टूबर के दिन से, तो ये मेरा सबसे हाईएस्ट व्यू हुआ हुआ वीडियो है। इसके पहले मेरा सबसे हाईएस्ट व्यू हुआ था 3,900 व्यू या 800, इससे ऊपर कभी व्यूज़ नहीं हुए। 4,300 ऑलरेडी हो चुके हैं इस कल वाले रात के वीडियो के, और अभी तक तो रविवार का दिन बाकी है, तो रविवार आते आते तो मुझे लगता है 5,000 भी क्रॉस हो जाएगा। जबकि मेरे सब्सक्राइबर कितने, 3,400 सब्सक्राइबर में 4,300 व्यू होना अपने आप में कीर्तिमान होता है। उसके बाद 1,000 लाइक, 3,400 सब्सक्राइबर वाले को अगर 1,000 लाइक, मुझे 1,000 लाइक पूरी ज़िंदगी में पहली बार मिला। और 2 महीने से मैं यूट्यूब में ही हूँ, 2 महीना 10 दिन आज लेके हुआ है, तो 2 महीना 10 दिन में मुझे कभी भी 700 से ऊपर लाइक नहीं मिले, सॉरी एक वीडियो में 800 कुछ मिला था, लेकिन इससे ऊपर लाइक नहीं मिले, 900 तो कभी नहीं मिले। तो इस बार तो 1,000 लाइक मिल चुके हैं ऑलरेडी इस वीडियो को। ये बहुत बड़ा मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है, जिसका सिर्फ 3,400 सब्सक्राइबर है। यहाँ लोगों के 10-10, 20-20 हज़ार सब्सक्राइबर होते हैं, उनके 300-400 लाइक आते हैं, और अगर जिसके 20,000 होते हैं सब्सक्राइबर, उसके 1,000 लाइक आते तो वो उचलता है, 1,000 लाइक 1,000 लाइक 1,000। यहाँ 3,400 सब्सक्राइबर में 1,000 लाइक आने का मतलब 30% से ज़्यादा जनता ने मुझे लाइक किया है जो मेरा व्यूज़ किया है। तो इट प्रूव्स कि क्या है रियल में प्रमोद जी। तो सबसे पहले तो अहमदाबाद का बता दूं आप लोगों को कि अहमदाबाद का लगभग बैच फुल हो गया है, जो मैंने बोला था फुल तो वैसे भी था क्योंकि डिमांड तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अभी स्पेशल दो जनों को मैं इसलिए दूंगा कि मैं नेक्स्ट डे रुक रहा हूँ, तो थोड़ा उसको अगर कोई चाहता कि दो जन और मैं अलाउड करूँ तो नेक्स्ट डे उसको मेरे हिसाब से टाइमिंग पर आना पड़ेगा, उसको सुबह क्लास करनी पड़ेगी अर्ली मॉर्निंग। तो पॉसिबल है किसी के लिए तो मुझे कांटेक्ट करें, वरना क्लासेस फुल है, क्योंकि मैं एक दिन और रुकना, 25 को जा रहा हूँ अहमदाबाद सुबह यहाँ से, तो मैं 26 को रिटर्न होऊंगा शाम को, तो 26 को मैं अहमदाबाद में ही रहूँगा, मेरी फैमिली भी मेरे साथ जा रही है, तो 25 को तो मेरी क्लासेस में टाइम चले जाएगी, वो लोग घूमते रहेंगे, यहाँ से कार लेके निकल रहे हैं हम लोग सूरत से और बैक शाम को आएंगे, तो वो लोग 25 को घूम लेंगे, फिर 26 को मैं उनको एकॉम्पनी कर लूँगा, तो शाम को फिर हम वहाँ से सूरत के लिए बैक हो जाएंगे। तो ये प्लानिंग है, तो देख लेना आप लोग कोई अगर इंटरेस्टेड हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू फेसबुक मैसेंजर। और फेसबुक में जो जो मैसेज दे रहे हैं भाई साहब, मुझे सब पता चलता है आप लोग क्या मैसेज दे रहे हो, मैं कॉन्टैक्ट करूँगा। आप लोग इम्पेशेंट क्यों होते हो भाई, आज शनिवार का दिन था, आज मैं कितने दिन के बाद थोड़ी रेस्ट किया हूँ, आज मैंने कोई काम नहीं किया, 2-3 लोगों की कुंडली खाली, ये एनालिसिस करके उनसे बातचीत की, 1-1 घंटे बात करने का सर दर्द करता किसी से भी, तो 2-3 जन के करने के बाद मेरा सर दुखने लग गया और मैं सो गया। आज मैं काफ़ी देर आज सोया हूँ दिन में और काफ़ी रेस्ट किया हूँ, क्योंकि मेरी कई दिनों की नींद बाकी थी, तो आज मैंने रेस्ट किया अच्छा खासा, और कल मैं फुल फ्लेजेड वापस काम करूँगा। और अभी मैं आप लोगों को फिर से एक बार निफ्टी का रिकैप करते चार्ट का, जो कल मैंने वीडियो बनाया, और फिर से दोस्तों आपको बहुत बहुत धन्यवाद, ये दिल से लाइक कर रहा हूँ मैं आप लोगों को, दिस इज़ माई लाइक फॉर एवरी वन, दोज हु हैव जस्ट लाइक्ड माई वीडियोज एज वेल एज सब्सक्राइब माई वीडियोज एज वेल एज व्यूड माई वीडियोज, तो आप लोगों को दिल से धन्यवाद, क्योंकि ये अचीवमेंट मेरे लिए बहुत बड़ा, इट्स लाइक विनिंग अ वर्ल्ड कप फॉर मी, क्योंकि 3,400 सब्सक्राइबर में 1,000 लाइक पाना, वो भी स्टॉक मार्केट का वीडियो में, ये कोई लड़की का डांस वाला वीडियो नहीं है जो हर कोई लाइक कर देगा, इसको सुनने के लिए 30 मिनट का पेशेंस चाहिए। और एक चीज़ और है, मैं ऑलरेडी मेरे फेसबुक के फॉलोअर्स जानते हैं मेरे वीडियोज़ में जो ऐड आते हैं, अगर आपसे रिक्वेस्ट, अगर आपको थोड़ा सा भी टाइम हो तो आप लोग उसको ऐड को स्किप मत करिए, पूरा देखिए। इसका एक कारण है, मैं बता रहा हूँ, इससे मुझे YouTube पैसे देगी मोनेटाइजेशन में, तो जो उससे पैसे मिलेंगे, अगर मुझे साल का 4 लाख मिला, 5 लाख मिला, 2 लाख मिला, 1 लाख मिला, पूरा का पूरा ऑर्फन अनाथ बच्चों के वेलफेयर में जाएगा। और मैं इसका प्रूफ भी आपको दिखाऊंगा कि YouTube से मुझे इतना पैसा मिला, और इसमें मैं कुछ अपने खुद के पैसे भी ऐड करके डोनेट करूँगा। YouTube से जो मिलेगा वो तो 100% डोनेट करूँगा, इसके अलावा मैं अपने खुद के, सपोज़ YouTube से मुझे 2 लाख मिला, तो
तो हो सकता है मैं अपने 1 लाख ऐड करके 3 लाख डोनेट करूँ, तो ये मैं आपको प्रूफ भी दे दूंगा। और उसमें रिसिप्ट में सिर्फ आप लोग का नाम लिखाऊंगा कि यूट्यूब के फॉलोअर्स ने मुझे ये डोनेट किया, हेल्प किया, इसलिए मैं डोनेट कर पा रहा हूँ। मैं किसी भी रिसिप्ट में अपना नाम नहीं लिखवाता। सो ये आप लोग को रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग का अगर आप लोग अपने बिजी शेड्यूल से वो ऐड को स्किप भी करे बिना मेरा वीडियोस देखेंगे तो ये किसी अनाथ बच्चों की भलाई के लिए हो जाएगा, क्योंकि इसमें आप लोग का भी नुकसान नहीं है। आप थोड़ा सा 1 मिनट ज़्यादा देख लो वीडियो वीडियो को, जब 30 मिनट झेलते हो तो 31 मिनट झेल लो यार, है ना। लेकिन इससे जो मुझे रेवेन्यू मिलेगी वो हम मैं आप लोग की हेल्प समझ के या आप लोगों का कंट्रीब्यूशन समझूंगा कि आप लोगों ने कंट्रीब्यूट करके हेल्प किया। सो एनीवे देखते हैं अब चार्ट थोड़ा सा। ये निफ्टी का कल का जो चार्ट है, तो मैंने अभी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, देखिए इस पॉइंट को और इस पॉइंट को टच किया तो ये बोला 700 के नीचे तो जल्दी से नहीं जाना चाहिए। इंट्राडे में 700 के नीचे आ भी जाए लेकिन 700 के नीचे की क्लोजिंग निफ्टी को बर्दाश्त नहीं है। अब अगर 700 के नीचे क्लोज हुआ तो प्रमोद जैन बोलेगा निकल जाओ निफ्टी से, 700 के नीचे की क्लोजिंग। ये ट्रेंड लाइन देखिए, ये दोनों पॉइंट टच किया, ये पॉइंट और ये एग्जैक्टली 700 के आसपास जा रहा है। तो कल इंट्राडे में जो मैं बोल रहा हूँ 700 के नीचे का लो बन सकता है, और उसके बाद जैसे जैसे देखिए ये जो मैंने इन्वर्स बताया था क्यों बन रहा है, देखिए ये शोल्डर, ये हेड, ये हेड बन गया यहाँ तक का हेड, और मैं मानता हूँ यहाँ तक शोल्डर बन जाए, देखिए यहाँ तक, ठीक है, तो परफेक्ट बन गया। फिर यहाँ से ऊपर जाए और ये 11,100 तक चला जाए, यहाँ तक 100 तक, और ये शुक्रवार तक आ भी सकता है 11,100, लेकिन 10,985 तो ज़रूर क्रॉस होगा अगर इस लो से वापस घूम गया तो। यहाँ तक लो बना के अगर निफ्टी घुमा तो 10,985 का हाई ज़रूर टूटेगा, जो कि अभी 2 दिन पहले बना था, तो ये 100% टूटना चाहिए, क्योंकि जो मैंने हायर लो हायर हाई का फैक्टर समझा तो लास्ट हायर हाई अभी तक 985 है, तो उसके ऊपर का हाई ज़रूर बनेगा, ये मेरी टेक्निकल नॉलेज मुझे बताती है। तो ये मैंने आपको दे दिया, अब वो वीडियो भी आप लोग को दिखा देता हूँ जहाँ पे व्यूज़ ज़्यादा हुए। ये वीडियो कल का है, तो एक तो सबसे पहले आप लोग देखिए कि मेरे सब्सक्राइबर देखिए 3490 पहुँच गए, कल तक मैंने देखा था 3302 थे, यानी कि 200 सब्सक्राइबर लगभग आज जुड़ गए। और ये वीडियो देखिए पहले के 2,500 व्यू, ये कल वाला वीडियो जो है 4,300 व्यू हो चुके हैं, और इसके लाइक्स देख लीजिए आप लोग, नंबर ऑफ लाइक्स 1K, और खाली 38 लोगों ने डिसलाइक किया, सिर्फ 38 लोगों ने डिसलाइक किया, सिर्फ 38 लोगों ने डिसलाइक किया है, और 1K व्यूज़ हुए, 1K लाइक्स मिले, और 4,380 व्यूज़ अभी तक हो चुके, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। वंस अगेन थैंक्स टू एवरीवन, आप लोग ऐसे ही प्यार करते जाइए। और प्रमोद जैन एक चीज़ बोलता है आपको, प्रमोद जैन पीछे हटने वाला इंसान नहीं है, आपको कभी दगा नहीं देगा, जहाँ तक होगा आपके लिए मेहनत करेगा। किसी एक आध दिन में 2-4 दिन वीडियो मिस होगा तो होगा, बाकी आपको व्यूज़ मिलते रहेंगे। और मुझे पता है आप में से बहुत सारे छोटे इन्वेस्टर या छोटे ट्रेडर्स हैं जो ऑलरेडी बर्बाद हो चुके हैं, अब उनको एक होप जगी है थोड़ी सी कि कुछ पैसा हम कमा लेंगे, प्रमोद जैन जिस तरह से हमको एडवांस में बता देता, तो मेरा इसमें नुकसान भी नहीं है। अगर आप मेरे व्यूज़ के कारण या मेरे कोई भी टेक्निकल एनालिसिस बताने के कारण से अगर आप 1,000 रुपया 2,000 रुपया 1,500 रुपया 3,000 रुपया 5,000 रुपया कुछ भी कमाते हो और उससे आपका परिवार का भी भला होता है, तो ये मेरे इससे बड़ा पुण्य का काम मैं कर नहीं सकता हूँ, तो ये मैं कभी रोकने वाला नहीं हूँ दोस्तों। मैं चाहे आपको 100 धमकी दे दूँ लेकिन मैं अपना काम जो दायित्व मैंने ले लिया है उससे मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। हाँ मैं बहुत बिजी रहता हूँ, मुझे अगर ज़्यादा परेशान इसलिए मत किया करो क्योंकि जो मार्केट हाउस रहता है ना बॉस, उस समय मैं टर्मिनल को बहुत ध्यान से वॉच करता हूँ। कुछ टेक्निक्स जो मैं आप लोगों को मतलब बोल के नहीं सिखा सकता हूँ, वो टर्मिनल पे मैं समझा सकता हूँ कि इस टर्मिनल की ऐसी चाल भी पकड़ सकते हो आप कि यहाँ चाल चेंज हो रही है।
तो वो एक्सपीरियंस से आता, क्योंकि इतने साल से मैं वॉच कर रहा हूँ, उस एक्सपीरियंस से मुझे समझ में आता ये टर्निंग पॉइंट आ गया। हालांकि चार्ट्स तो बहुत कुछ बता देते हैं, ये चार्ट्स, दिस चार्ट्स एक्चुअली स्पीक्स, ये जो चार्ट्स होते हैं ना ये एक्चुअली खुद बातें करते हैं, आपको खाली इनकी भाषा समझ में आना चाहिए बस, ये क्या बात करना चाह रहे हैं। अगर ये आप ये भाषा सीख गए ना आप, कि ये ऐसा बोल रहे हैं, हम इनवर्स बना रहे हैं, ऐसा बना रहे हैं, इनकी जो भाषा ये बोलना चाह रहे हैं, जिस दिन आप ये सीख गए फिर आपको कोई दूसरा चीज़ नहीं जानने की दरकार है, कोई फंडामेंटल भी नहीं सीखने की दरकार है। फंडामेंटल कब देखना चाहिए? जब आप दो तीन साल का व्यू रखते हो इन्वेस्टमेंट करने का, तब आप किसी स्टॉक का फंडामेंटल देखो। यहाँ तो सब आधे आधे घंटे में तो ट्रेड करते हैं, उसको क्या फंडामेंटल देखना भाई। तो ये मैं बोलना चाहता हूँ, जो टेक्निकल अगर ध्यान से सीख गया और इसकी इसकी लैंग्वेज समझ गया क्या बताना चाह रहा है, जैसे मुझे ये ट्रेंड लाइन बोली 700 के नीचे की क्लोज, अब निफ्टी के लिए घातक हो जाएगी। 700 के नीचे की दो क्लोज, एक क्लोज में मैं कभी भी कन्विंस नहीं होता हूँ, क्योंकि वो विप्सो हो सकता है कभी भी एक क्लोज देने का, मतलब जानबूझ के किया हुआ क्लोज ताकि सबके स्टॉप लॉस हिट हो जाए और फिर जब बढ़े तो गुस्से में वो लोग शॉर्ट ही करें। तो ये सिस्टम होता है, ये ऑपरेटर्स इस तरह। और आपको हमेशा ये स्टॉक मार्केट में सक्सेस होने का तरीका क्या है, कि जो ऑपरेटर सोचता है आप उस एंगल से सोचो कभी भी मार्केट को। ये जो न्यूज़ आ गई GST कुछ दरें कम हो गई इससे बढ़िया हो जाएगा, ऐसा नहीं। आप सोचो ऑपरेटर इस समय क्या गेम खेल रहा होगा, कि उसको पब्लिक को कैसे लूटना है। अब आप लोग पूछोगे ये ऑपरेटर कौन है भाई साहब, तो मैं नहीं बता सकता ऑपरेटर कौन है, बट देर इज समथिंग विच इज ऑपरेटिंग दिस मार्केट, ठीक है। तो वो समथिंग जो भी है, मैं उसको ऑपरेटर का नाम दे रहा हूँ, वो लोग क्या करते हैं, पब्लिक के सेंटीमेंट्स के साथ खेलते हैं। पब्लिक, इफ पब्लिक, एंटायर पब्लिक को लगता है कि अब मार्केट गिरेगा, वो वहाँ से सडन एक मूव ला देंगे। और यहाँ एंटायर पब्लिक को जब लगता है कि मार्केट गिरेगा, तो अगर सब सबको पता चल जाए गिरेगा और सही में मार्केट गिर जाए, तो सारा पैसा पब्लिक कमा लेगी। तो एक सिंपल आप कॉन्ट्रेरियन व्यू लेकर के लिए चलिए हमेशा, लेकिन उसका कुछ लॉजिक भी होना चाहिए टेक्निकली भी। खाली बस आप कॉन्ट्रेरी हो गए हमेशा तो भी मार खाओगे। अब जैसे मेरा लॉजिक क्या था उस दिन भी, कि यहाँ से ये जो मैंने बोला था ये शोल्डर बनेगा, तभी तो मैं बोला कल 200 पॉइंट गिरेगा परसों वाले वीडियो में, वो गिरा भी। तो ये पकड़ना पड़ेगा आपको साथ में चाल टेक्निकली भी। थिंक लाइक ऑपरेटर्स बट ऑल्सो सी इट लॉजिकली इन द चार्ट्स ऑल्सो, डज द चार्ट शोज दैट इट कैन गो डाउन और नॉट। इफ यू थिंक लॉजिकली ऑपरेटर्स आर ट्राइंग टू ब्रिंग डाउन द मार्केट, देन जस्ट सी इफ चार्ट्स आर ऑल्सो शोइंग लाइक दैट और नॉट। फिर चार्ट्स को उस नज़रिए से देखो, और या फिर अगर आप अभी सब मंदी में हैं और तुमको लगता है कि ऑपरेटर्स अभी अचानक निफ्टी चढ़ा देंगे, तो चार्ट्स को भी उस नज़रिए से देखो, तो वहाँ कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा कि वो आपको इंडिकेट करेगा यस इस तरीके से बढ़ भी सकता है। तो बस ये थिंकिंग आप चेंज कर लो, तो आप 100 में से 90 बार विनर रहोगे, 10 बार रॉन्ग भी होगे। रॉन्ग तो होना स्टॉक मार्केट का, द ओनली सर्टेनिटी इज द इन दिस स्टॉक मार्केट इज द ओनली सर्टेनिटी इन दिस स्टॉक मार्केट इज अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी इज द ओनली सर्टेनिटी इन दिस स्टॉक मार्केट, प्रॉपरली ये बोल सकते हो, अनसर्टेनिटी इज द ओनली सर्टेनिटी इन दिस स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में अनिश्चितता ही एकमात्र निश्चितता है, स्टॉक मार्केट में अनिश्चितता ही एकमात्र निश्चितता है। और हम लोग बोलते हैं सर इतना फास्ट गिरा क्यों, तो स्टॉक मार्केट में क्या है, स्टॉक मार्केट गोज अप यूजिंग स्टेयरकेस एंड कम्स डाउन यूजिंग लिफ्ट। तो स्टॉक मार्केट जब ऊपर चढ़ता है तो वो सीढ़ियों पे चढ़ने समान चढ़ता है, एक एक सीढ़ी चढ़ता है, जैसे इंसान स्टेयरकेस यूज़ करके जाता है ऊपर, उस तरह स्टॉक मार्केट भी ऊपर जाता है। लेकिन जब उतरता है तो वो लिफ्ट से जैसे उतरता है ना एकदम, तो उतरते वक्त स्टॉक मार्केट लिफ्ट यूज़ करता है। तो ये सब कुछ आपको समझना पड़ेगा। देखिए ये मूव नीचे का कितना फास्ट आया मूवमेंट, और जब बढ़ रहा था तो ऐसे ऐसे फिर ऐसे घूमता है, फिर ऐसे घूमता है, तो इस तरह से होता है।
तो बढ़ते वक्त हमेशा उसको स्टेप बाय स्टेप, हाँ कभी कोई रॉकेट टाइप बुल रन रहता है तब वो बढ़ता है, भी सॉलिड है, लेकिन वो रेयरली होता है। अच्छा अब एक आज मैं आपको एक छोटा सा, जब वीडियो बना ही रहा हूँ तो एक छोटा सा टेक्निकल पार्ट सिखा देता हूँ, जो लोग मेरी क्लासेस अटेंड नहीं कर पाते होंगे या सोचिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण भी बहुत लोग हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं, मैं बीच बीच में ऐसी क्लासेस करने वाला हूँ जिनको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, उनके लिए एक इतना नॉमिनल अमाउंट रखूँगा उस क्लास का कि वो अटेंड कर पाए, और लेकिन ये उस जिस सिटी में होगा उसी सिटी में आपको आना पड़ेगा, इतना मैं बोल सकता हूँ, है ना। तो नेक्स्ट मंथ शायद मैं पुणे में करने वाला हूँ एक ऐसी क्लास जिसमें बहुत नॉमिनल अमाउंट रहेगा क्लास सीखने का, नेक्स्ट मंथ जनवरी में शायद मैं करूँगा, डेफिनेटली 90% चांसेस है। पहले 5 तारीख को तो मुंबई का रहेगा, फिर मंथ एंड के आसपास मैं शायद पुणे का कर दूंगा। तो पुणे वालों आप लोग खुश हो जाओ, क्योंकि एकदम नॉमिनल अकाउंट में मैं अपनी पूरी ज़िंदगी के 29 साल आपको सिखाने वाला हूँ विद इन 5 आवर्स। ये एक MACD एक स्टडी है, देखिए MACD हिस्टोग्राम, ये मैंने स्टडी बनाई है, ये आप लोग कैसे निकाल सकते हैं ये भी बताता हूँ आपको। ये चार्टिंग में जाते हैं अपन, ये चार्टिंग वेबसाइट खोली है, देखिए ऐसा ऐसा चार्टिंग वेबसाइट खोला, फिर ये स्कैन्स पे आप क्लिक करिए। तो अगर आपका लॉगिन आईडी नहीं है तो आपको लॉगिन आईडी इसमें क्रिएट करना पड़ेगा, मेरा है इसलिए खुल जाता है आपको, लेकिन एक लॉगिन आईडी क्रिएट करना पड़ेगा उसके बाद ये खुल जाएगा। तो यहाँ आप लोग अपना स्कैन्स बना सकते हो, तो मैंने बहुत सारे बना रखे हैं अपने लिए, तो उसमें एक आपको आज इम्पोर्टेंट वाला दिखाता हूँ, वैसे बहुत सारी स्टडी की है मैंने, लेकिन एक आपको दिखा देता हूँ मैं कि उसका यूज़ बहुत वाइटल है। चलिए मैं समझाता हूँ, ये है MACD हिस्टोग्राम बुलिश बोल के मैंने डाला इसको, इसमें हिस्टोग्राम चेक करता है कि जीरो के, ये क्या बोल रहा है, कंडीशन मैंने क्या दिया, स्टॉक पासेस ऑल ऑफ द बिलो फिल्टर्स इन कैश सेगमेंट, मत करिए इसको, जो कैश में खेलते वो अलग बात है, मैं फ्यूचर्स कर देता हूँ ताकि जो स्टॉक वॉल्यूम वाला भी हो, फ्यूचर्स में तो सब 90% वॉल्यूम वाले स्टॉक रहते हैं, तो यहाँ फ्यूचर्स कर दीजिए। फिर यहाँ लेटेस्ट लिखेगा, यहाँ MACD हिस्टोग्राम 26/12 क्रॉस अबव नंबर 0, माने हिस्टोग्राम अगर 0 के ऊपर क्रॉस किया है तो मुझे बताओ कौन से स्टॉक में हुआ है, ये कंडीशन आपको डालना है, आप पढ़ लो इसको अच्छे से। चलो मैं इसको, और अब इसको रन स्कैन को दबाओ तो ये बताएगा कौन सा स्टॉक किया है फ्राइडे को, तो ये बता रहा है रिलायंस पावर ने किया और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने किया। चलिए इसका चार्ट देख लेते अपन, ये रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर का चार्ट है, तो इसमें MACD खोल लेते अपन, MACD इंडिकेटर खुला हुआ नहीं था, वो बोला है MACD हिस्टोग्राम ने क्रॉस किया है, तो वो चेक भी कर लेते हैं फ्राइडे को क्रॉस हुआ कि नहीं। ये देखिए फ्राइडे का MACD ये दिखा रहा है, ये देखिए हिस्टोग्राम 0 के ऊपर चला गया, ये 0 लाइन है, ये 0 पॉइंट होता है, और ये देखिए MACD लाइन जो है ब्लू लाइन होता है, और ये रेड लाइन है सिग्नल लाइन, ये रेड लाइन होती है सिग्नल लाइन, ये ब्लू लाइन होती है MACD। तो देखिए ये ब्लू लाइन इतने दिन नीचे चल रही थी इसके, उस दिन फ्राइडे को एक क्रॉस ओवर हुआ है सिग्नल लाइन के ऊपर, और ये 0 के ऊपर आ गया हिस्टोग्राम, तो ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है, ठीक है, हिस्टोग्राम 0 के ऊपर आना पॉजिटिव साइन है, यहाँ आप लोग बाइंग कर सकते हो। और देखिए उस दिन रिलायंस इतना मार्केट गिरा तो भी रिलायंस इंफ्रा बढ़ के बंद हुआ, तो मुझे रिलायंस इंफ्रा में आने वाले कुछ दिनों के लिए तेजी लग रही है, उस दिन क्लोज हुआ मैं आपको बताता हूँ स्पॉट। तो ये आप लोग स्टडी आप लोग भी निकाल सकते हो, कैसे मैंने समझाया था आप लोग समझ गए होंगे, ऐसे देखिए ऐसा चार्टिंग में जाइए, ठीक है, और यहाँ आपको लॉगिन पूछेगा, मेरा लॉगिन आईडी है बोल के नहीं पूछ रहा, यहाँ मेरे स्कैन्स है, और मैंने जो स्कैन आपको सिखाया अभी, बहुत सारी स्टडी आप बना सकते हो इसमें खुद, जब आप थोड़े एक्सपर्ट हो जाओगे तो इजीली बना लोगे, एक्सपर्ट भी नहीं थोड़ी सी दिमाग चाहिए इसमें, ज़्यादा नहीं। तो MACD बुलिश वाला आपको दिखाया था अभी मैंने, तो उसमें क्या सिस्टम है, उसमें क्या कंडीशन डाला मैंने, फिर से देख लीजिए आप, स्टॉक पासेस ऑल
ऑफ द बिलो फिल्टर्स इन कैश सेगमेंट की जगह आप फ्यूचर कर सकते हो, ज़्यादा बेटर रहेगा। लेटेस्ट MACD हिस्टोग्राम 26/12/9 ये 26 माइनस, वो आपको मैं किसी दिन MACD समझाऊंगा तब ये पूरा समझा दूंगा क्या होता है। क्रॉस अबव नंबर जीरो, जीरो के ऊपर कोई भी हिस्टोग्राम अगर आया किसी भी स्टॉक का तो मुझे बता फ्यूचर्स में। अभी मैं फ्यूचर्स की कंडीशन, आप इसको कैश में भी देख सकते हो। तो यहाँ रन दबाऊंगा तो ये बताएगा कौन से स्टॉक निकले हैं, फिर आप उस स्टॉक का चार्ट यहीं से खोल सकते हो। ऐसे दबाओगे वो चार्ट खुल जाएगा, देखिए उधर खुल गया। तो वो चार्ट आपको क्या बता रहा है, एक क्रॉस हुआ है। तो मुझे अब रिलायंस इंफ्रा का टारगेट जो है, उस दिन की क्लोजिंग आई है, फ्राइडे की क्लोजिंग आई है इसकी 307। तो आप इसको 319 जाते हुआ देखोगे थोड़े दिन में, दो तीन दिनों में ऐसा मुझे लगता है 319 तक जा सकता है, दो तीन दिनों के अंदर 319 जाएगा ऐसा लगता है मुझे। ठीक है दोस्तों, ये छोटा सा आपको टेक्निकल भी सिखा दिया। इस तरह से आप इसमें स्टडी डाल के बहुत कुछ अपना दिमाग से पैसा कमाने का स्कीम निकाल सकते हो, और मेरी क्लास कर लोगे तो फिर बहुत कुछ सीख जाओगे, ये तो मैं बता ही दिया आपको। थैंक यू, शुभरात्रि, जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ, और हमारी भारत माता की जय हो। जय हिंद।